अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ आपके दुआओं के वजह से। आज मैं रेड हलवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बाहर गाड़ियों में, स्वीट शॉप्स में मिलती है। मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और मैंने स्टोव ऑन कर दिया है और अभी मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ और अभी मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं 2 इलायची डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिलाइएगा, शुगर पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। ये मेरा फेवरेट हलवा है जो आसानी से मिल जाता है इंडिया में, लेकिन अभी लॉकडाउन के वजह से नहीं मिल रहा होगा, सो मैं सोची आज आपको रेसिपी शेयर कर देती हूँ। शुगर मेल्ट हो चुका है, सो अभी मैं छोटा सा कटोरी लेके उसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और उसमें मैं पानी डाल के अच्छे से मिलाने वाली हूँ, क्योंकि लम्स नहीं फॉर्म होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। ये झन्नी के मदद से कॉर्नफ्लोर का पानी जो है मैंने शुगर सिरप में डाल दिया है और अच्छे से मिला रही हूँ। इसको तब तक मिलाते रहिएगा कि जब तक ये जो बैटर है वो जेली टाइप ना हो जाए, तब तक हिलाते रहना चाहिए। इसको जेली बनने में जस्ट आपको 3 मिनट्स या 4 मिनट्स लगेगा, सो अगर आप स्टोव पे रख के कहीं जाएंगे तो ये बहुत ही हार्ड बन जाएगा। सो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के रख दिया है लास्ट गार्निशिंग के लिए। ये देखिए जल्दी टाइप बनना शुरू हो चुका है, सो इसको अच्छे से हिलाते रहिएगा। मतलब बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, अगर आप ना हिलाओगे ना तो वो सॉलिड लाइक बॉल्स टाइप भी हो सकता है, इसीलिए अच्छे से हिलाते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि हलवा गाढ़ा टाइप हो चुका है तो थोड़ा सा पानी डाल के हिला दीजिएगा। और इसके बाद मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ, मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क मेड डाला है बस फ्लेवर के लिए। मिल्क मेड डालने के बाद अच्छे से मिलाइएगा। अभी मैं इसमें फूड कलर डालने वाली हूँ। आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हो, रेड कलर भी डाल सकते हो। अगर आपको ग्रीन हलवा चाहिए तो ग्रीन कलर भी डाल सकते हो, पर मैंने ना थोड़ा सा ऑरेंज डाला है और थोड़ा सा रेड कलर भी डाला है। अगर आपको पूरा सा रेड चाहिए तो ओनली रेड कलर भी डाल सकते हो। डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा, ओवर ज़्यादा भी मत डालिएगा कलर। मैंने बस 5 to 6 ड्रॉप्स ऐसे कुछ डाला है। मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो नेचुरल कलर्स है जो मैंने अमेज़ॉन में परचेज किया है, अगर आप चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। वाओ, इसका लुक देखिए, यम्मी। इट्स ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा सा हिलाना बाकी है। सो मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही भिगो के रख दिया है और अभी मैंने उसको काट के रख दिया है। सो मैंने कैशू नट्स डाला है, बादाम डाला है और पिस्ता भी डाला है। सो डाल के मैं अच्छे से मिलाने वाली हूँ और सर्विंग करते जब आप फिर से गार्निश करके सर्व कीजिएगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी है ये। सो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे को बताइएगा कि आपको कैसे लगा। यू नो लाइक अच्छा है या कुछ आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो मेरे को भी बताइएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। सो ज़रूर लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने
चाहने वालों को तो ज़रूर बना के खिलाना चाहिए। सो आप अपने माँ बाप को, भाई बहन को, हस्बैंड को या कोई भी रिलेशन हो, आप पका के आप ज़रूर सर्व कीजिए। बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और यू कैन से यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय।